हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ भाइयों के सवाल आते हैं कि सर, हमारी बकरी बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद उसने दूध नहीं उतारा है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपकी बकरी बच्चा दे, ये इस वीडियो में मैं दो चीज़ें क्लियर करूँगा। एक तो ये कि जब आपकी बकरी बच्चा दे तो उसकी केयर है, मतलब उसको क्या देना चाहिए, फर्स्ट जो उसको चीज़ है वो क्या देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ नहीं देने वाली चीज़ है, वो आप उसको अनाज मत दीजिए। अगर आपकी बकरी बच्चा दिया है तो उसको कम से कम 5-7 दिन कच्चा अनाज बिल्कुल ही नहीं देना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, ठंडे गर्म का, अगर सर्दी का मौसम है तो ठंडे गर्म का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको उसको ठंडा पानी नहीं पिलाना है। अगर आप बकरी को ठंडा पानी पिलाएंगे तो इसका सीधा सीधा रिजल्ट आपके बच्चों को देखने को मिलेगा, उनको ड्रेंचिंग नमूनिया होने की भी शिकायत रहेगी, उनको मतलब उनको नमूनिया होने का बहुत बहुत खतरा है, तो उनको सर्दी भी पकड़ लेती है। और अगर आपकी बकरी बच्चा देने के बाद दूध ना उतारे, जैसे मेरे वाली बकरी ने उतारा पर इतना ज़्यादा दूध उतारा नहीं है, तो इसको आपको क्या देना है, जो फर्स्ट चीज़ रहेगी, किसी भी तरीके का कोई चीज़ ना देके, जो आपको देसी घरेलू जो तरीका है वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं टोटली पूरी की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे वो चीज़ आपको देनी है। आज ही मेरी बकरी ने एक बच्चे दिए हैं, ये बड़ा मेल है, ये थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रांसजेंडर है, थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चलेगा। और एक इसने फीमेल दी है, ठीक है, अभी मैं आपको कड़ा तैयार करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर मैंने सरसों की खल ऐड करी है और एक इसमें किया है गुड़ ऐड, उसके बाद इसमें मैं हल्दी डालूंगा, ठीक है। हल्दी हो गया, सरसों की खली होगी थोड़ी सी, जैसे कि 150 ग्राम ले लेनी है, 100 ग्राम भी नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम ले लीजिए, गुड़ 50-60 ग्राम ले लीजिए, और एक चम्मच इसमें हल्दी आपको ऐड करनी है। प्यारे साथी, जो हल्दी है ना, वो एक चम्मच की बजाय थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम थोड़ी सी हल्दी डालनी है, क्योंकि इसकी स्मेल से ना कुछ बकरियाँ ये काढ़ा आपका पिएगी नहीं। तो इसमें गुड़, सरसों की खल, हल्दी, और इसके बाद इसमें पानी डाल दूंगा 1-2 गिलास, और उबाल कर पिलाऊंगा। पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखाऊंगा, तो पहले इसको मैं उबालता हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैंने इतना पानी डाल दिया कि ये पूरा का पूरा पानी के अंदर समा जाए, मतलब भीग जाए, ये रेडी हो गया। और इधर गैस भाई जलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। गुड़ है इसमें डाला हुआ, खल डाली हुई है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल रहा हूँ। एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है ना साथी, तो आप इसमें सौंठ ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास सौंठ अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको शुरू का जो कड़ प्रोसेस है वो ये चीज़ करनी ही करनी है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये तो आपकी जो बकरी है वो जेर है वो इजीली गिरा देगी, ठीक है, जेर गिरा देगी, उसका जो अंदर यूट्रस की सफाई है वो अच्छे से हो जाएगी। हल्दी क्या काम करेगी, हल्दी का एंटीबायोटिक का काम करेगी, अगर उसको दर्द है, ठीक है, अंदर कोई किसी टाइप की सूजन वगैरह है, मतलब डिलीवरी के टाइम आई है, तो अगर उसको कुछ दर्द हो रहा है तो ये दर्द में राहत देगी। मतलब हल्दी का काम क्या है, एंटीबायोटिक का काम है। गुड़ क्या है, गुड़ उसको गर्मी देगा अंदर, और जो उसका प्लेसेंटा है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। खल क्या है, खल के अंदर ही प्रोटीन वगैरह, एनर्जी वगैरह कुछ ये चीज़ें होती हैं, तो ये इस चीज़ से वो दूध उतारेगी, गुड़ से भी दूध उतारेगी, खल से भी, और हल्दी क्या करेगी, एंटीबायोटिक का काम करेगी। तो ये तीन चीज़ों का, मतलब मेरे को नहीं पता था इन चीज़ों का पहले, तो हमारे जो घर पे मेरी मम्मी ने बताया था इस चीज़ के बारे में कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ से बहुत रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उनका तो प्राइम टाइम का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें मेरे को पुश्तैनी बदौलत ये मिली हुई चीज़ें जो मैं आपको यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, मतलब पुराने बुजुर्गों के तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये जो कड़ है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद इसको आपको दे देना, थोड़ा मैं इसमें पानी मिला देता हूँ भाई, पानी मिला दिया मैंने इसमें।